मेरे पिता ने 2 शादी की थी और हम 5 भाई थे और 2 माँ थी। हम लोग लखनऊ गांव में रहते थे। मेरे 5 भाई थे, 2 मम्मी थी। एक मम्मी का इंतकाल हो गया था और एक मम्मी हमारे साथ ही रहती थी। हम 3 भाई एक मम्मी से थे और 2 भाई एक मम्मी से थे और हम 5ों भाई का पिता एक ही था। हम 3 भाई काफ़ी बड़े थे और वे 2 भाई काफ़ी छोटे थे। एक 10 साल का था और एक 6 साल का। हम तीनों भाई अपने पिता की बात भी कम मानते थे और बात बात पर उनसे झूठ भी बोलते थे। और हम तीनों भाइयों की शक्ल सूरत भी कुछ खास नहीं थी और हमारे पिता ने हम तीनों की शादी भी कर दी थी। और हम अब छोटा मोटा काम करके अपने परिवार को पालते थे। हमारे पिता हम पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। हम 5ों भाई बाग में जाते थे क्योंकि हमारा आम का बाग था और जब थोड़ी सी आंधी आती तो हम बाग की तरफ दौड़ जाते थे और आम को नीचे गिरते हुए उठाया करते थे और घर पर लाकर आमों को हिस्सा लगा लिया करते थे। हम तीनों भाई ज़्यादा आम लेते थे और उन दोनों भाइयों को कम दिया करते थे। हम तीनों भाई उन दोनों भाइयों से बहुत चिढ़ा करते थे क्योंकि हमारे पापा उन दोनों भाइयों से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों भाई बहुत खूबसूरत थे और एक दिन यूं ही खेलते खेलते वे नहर पर चले गए और जो 10 साल का था वह नहर के अंदर गिर गया था और धीरे धीरे नहर के बीच में जा रहा था और छोटा भाई देख देख कर बहुत छटपटा रहा था कि मैं अपने भाई को कैसे बचाऊं और चिल्ला रहा था। काफ़ी देर हो गया, कोई मदद के लिए नहीं आया तो वह खुद ही नहर के अंदर कूद गया अपने भाई को बचाने के लिए और फिर उसने अपने भाई को बचा ही लिया और फिर दोनों भाई अपने घर की तरफ चल दिए। मन ही मन डर गए थे कि हम अब घर वालों को क्या बताएंगे, अब गांव जाएंगे तो हम बहुत पिटाई खाएंगे। जब बताएंगे कि हम नहर में गिर गए और ये सब चीज़ें हुई, जब वे दोनों गांव पहुंचे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि उसका भाई जो 10 साल का है नहर में गिर गया था और वह जो 6 साल का है वह उसको बचाया। उसके घर वाले सोचने लगे कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि 6 साल का बच्चा जो ठीक से नहर में पानी तक नहीं उठा सकता, भला वह 10 साल के बच्चे को कैसे बचाएगा। गांव में ये घटना वाली बात फैल गई पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ सिवाय एक को छोड़कर, उसने इस बात पर विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे। उस गांव की सबसे समझदार बुजुर्ग में से एक है और इसलिए गांव वालों को भी लगा कि भला उन्होंने कैसे विश्वास कर लिया, ये तो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वे कह रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी, जिस वजह से वे विश्वास कर लिए। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उनके पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये देखें, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही बता दीजिए कि ये कैसे हो सकता है। इस पर उनको हंसी आ गई। वह बोले कि श्रीमान, इसमें क्या बताऊं, वह लड़का तो बता रहा है कि उसने ये कैसे किया। सभी गाँव वाले उनकी शक्ल देखने लगे। फिर वह बोले कि देखो, सवाल ये नहीं है कि वह छोटा सा बच्चा है कैसे कर पाया, सवाल ये है कि आखिर उसके अंदर इतनी ताकत आई कहाँ से। और फिर वह बोले, इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता कि जिस समय उस बच्चे ने ये काम किया उस समय वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, उसे वह बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता और यही कारण है कि वह बच्चा अपने भाई को बचाने में सफल रहा। गांव वाले ये जवाब सुनकर स्थिर हो गए और फिर किसी ने उनसे कुछ सवाल नहीं किए, वह सब चुपचाप हो गए। उन्हें उनका जवाब मिल चुका था और हम तीनों भाई भी ये माजरा सुनकर हैरान थे। हम अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि ये दोनों मर क्यों नहीं गए और फिर दूसरी माँ भी बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। अब उन दोनों भाइयों के सर से भी माँ का साया उठ चुका था। इस तरह काफ़ी दिन हो चुके थे और वो लोग बड़े हो गए और उसमें से एक भाई की शादी हो गई थी।
अब वे दोनों भाई हमारे जैसे हो चुके थे। अब पिताजी भी बहुत बीमार रहने लगे थे और उनके यहाँ पैसों की तंगी हो गई। अब वे तीनों जने हम लोगों की मदद की तलब करते थे। हमने वे दोनों भाई का फ़ायदा उठाया और उन दोनों को काम पर लगवा दिया। पिताजी थोड़े खुश हो गए, पर उनको हम पर विश्वास नहीं था। पर वे मजबूर थे, करते भी क्या। हम अंदर ही अंदर उन दोनों से बदला लेना चाह रहे थे। मैं दिल्ली शहर में काम करता था और एक सिलाई की फैक्ट्री खोली थी। काफ़ी अच्छा चल रहा था, अचानक से उसमें घाटा होने लगा था। मेरे ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था। फिर मैं उन दोनों भाइयों को शहर ले आया, एक को होटल में और एक को सिलाई की फैक्ट्री में लगवा दिया था। होटल वाले का मैंने काफ़ी उधार खाया था और मैंने अपने कारीगर को भी खिलाया था। होटल वाले के काफ़ी पैसे मुझ पर उधार थे, तो इसलिए मैंने उस भाई को होटल पे रखवा दिया था। पर मैंने भाई को नहीं बताया था कि मैंने अपने उधार के बदले तुझे होटल पे लगवा दिया था, और होटल वाले को कह दिया था जब तक मेरा हिसाब चुकता ना हो तुम इसे अपना काम करवा सकते हो, क्योंकि ये बहुत मेहनती है, आपका पूरा काम करेगा और पूरे ईमानदारी के साथ, क्योंकि वह बहुत ईमानदार भी है। और मैंने इसी तरह उसको 2 सालों तक गिरवी रख दिया और फिर मैं अपने गांव चला आया और पिताजी से मैंने बोल दिया कि मैंने उसे काम पर लगवा दिया है। पिताजी थोड़े दुखी भी थे और थोड़े खुश भी हुए, और वह लाचार थे इसलिए मुझे और कुछ सवाल नहीं किया। जो दूसरे भाई को सिलाई पर लगवाया था उसने वहीं पर अपना घर बसा लिया था, उसने शादी कर अपना घर बना लिया था और वह बहुत मेहनती था और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह रहा था। वह थोड़ा मतलबी भी था, उसने भी पिताजी की कोई हालचाल नहीं लिया, ना घर पर पैसे भिजवाए, और दोनों के बीच भी बहुत दूरियां थी क्योंकि मैंने उसे आगरा यूपी में सिलाई के काम पर लगवाया था और इधर इसे दिल्ली होटल में लगवाया था, तो इसलिए इन दोनों के बीच भी कोई बातचीत या कोई खोज खबर नहीं थी। अब 2 साल बीत चुके थे, इधर होटल वाले का कर्जा भी पूरा हो चुका था, अब मैं आज़ाद हो गया था। तब मुझे पहली बार मालूम हुआ था कि मेरे भाई ने मेरे साथ कितनी बड़ी गद्दारी की है, पर मैं चुप था क्योंकि मैं बुरी तरह से फंस चुका था। होटल वाले की इसमें कोई गलती नहीं थी क्योंकि एक वह अच्छा इंसान था, उसको एक मेहनती आदमी चाहिए था, उसका इतना कर्जा भी खा लिया था मेरे भाई ने, तो मैं इसलिए चुप कर मैंने उसका सारा कर्जा उतार दिया, क्योंकि मैं दिन में उसका काम किया करता था और रातों को अपना पैसा सेव करने के लिए ईंटें ढोया करता था, और इस तरह से मैंने अपने पास काफ़ी पैसे जमा कर लिया था। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, पर मैं एक बहुत मेहनती इंसान था। इस तरह से मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया और मेरा काम काफ़ी अच्छा चलने लगा था। उधर मेरे फैमिली में बहुत परेशानी थी, मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां भी थीं और वे छोटे छोटे थे। फिर मैं अपने गांव लौटा अपनी फैमिली को लेने के लिए, तब मैंने सारा किस्सा अपने पिताजी को बताया, तो फिर वह काफ़ी परेशान हुए और काफ़ी बीमार भी रहने लगे थे और काफ़ी पहले से ही बीमार थे। फिर मेरे ये सारा किस्सा सुनने के बाद में मेरे भाई को बहुत बद्दुआएं दे रहे थे और मुझे देखकर बहुत खुश हो गए। फिर मेरे भाई को बहुत सारी बद्दुआएं दी और फिर पिताजी का इलाज करवाया, पिताजी ठीक हो गए और मैं अपनी फैमिली को लेकर दिल्ली चला आया। कुछ ही दिनों बाद बीत जाने पर पिताजी का भी देहांत हो गया और जो मेरे भाई मेरे साथ गद्दारी किया था उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। अब वो नेपाल काठमांडू में रहने लगा था। नेपाल की ऊंची चोटियों पर से बस से नीचे गिर गया, सारे यात्री मर गए थे पर वह बस के अंदर जिंदा था। 2 दिन बाद जब बचाव दल वहां पहुंची तो उसको निकाला गया, फिर उसे हॉस्पिटल ले गए, उसके कितने सारे सर्जरी हुए, कई साल लग गए। फिर वह अपने गाँव आया, वहाँ पर भी उसको चैन ना आया और उसको जहरीले सांप ने डस लिया। फिर इसी तरह से तड़प तड़प के उसने अपनी जान दे दी। इसलिए कहावत कही जाती है, कर बुरा तो हो बुरा और कर भला तो हो भला। इसी तरह मैं अपने फैमिली में बिजी हो गया और मेरे अब 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। और फिर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया
आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो खुद कोई काम नहीं कर सकते और दूसरों को भी यही कहेंगे कि तू भी ये काम नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों को अनदेखा करें और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये समय बहुत कमाल की चीज़ है जनाब, क्योंकि जिस तरह आपने समय निकाला इस कहानी को पढ़ने के लिए, इससे ये साफ पता चलता है कि आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे जो कि सफलता की ओर बढ़ाएगा। आपका एक कदम होगा, मुझे ये काम करना कठिन लगता है और मैं चाह कर भी नहीं कर पाऊँगा। लोग भी यही कहते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, इस काम को मत करो। अगर आपको भी कोई काम शुरू करने के लिए पहले ही कठिन लगने लगता है तो इस कहानी से आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो कैसी लगी मेरी कहानी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय दोस्तों।